क्वेश्चन नंबर 3 अभी हल करेंगे, जो कि है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला है 252 और 1540। तो देखिए हम लिखेंगे, माना कि ए बराबर 1540 और बी बराबर 252। तो जो बड़ा है देखिए 252, छोटा है तो उसको हम बी मान लेंगे, बी बराबर, और जो बड़ा है उसको हम ए बराबर मान लेंगे। तो यहां पे देखिए ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए क्या है, बड़ा है बी से, तो ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्योंकि भाजक से हमेशा भाज्य जो है बड़ा होगा तभी भाग होता है। अगर भाज्य छोटा हो गया तो फिर हम दशमलव देके उसको बड़ा करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1540 को भागा देंगे किससे, 252 से। तो लगाएंगे इसको 6 बार में, 252 6 होता है 1512, ठीक है। तो देखिए जो ऊपर में जो संख्या रहता है उससे थोड़ा सा छोटा ही भाग लगाना चाहिए, या तो बराबर या छोटा, न ज्यादा छोटा न इससे बड़ा, ठीक है। तो 252 6 हो गया 1512, तो इसको देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, इधर हो गया 0, इधर हो गया 0, यानी 28 हुआ। अब देखिए 28 जो है वो 252 से छोटा है, ठीक है। तो शेषफल जब भाजक से छोटा हो जाए तो नहीं भाग लगता है, तो क्या करेंगे अब ये शेषफल जो है वो बन जाएगा भाजक, और जो यहाँ पे जो भाजक था वो उसको बना लेंगे भाज्य। तो हम इसको यहाँ पे अब लिख देंगे, 252 को भाज्य बना लेंगे और 28 को भाजक। तो इसको अब हम भागा देंगे तो देखिए कितना बार में लगेगा, 9 बार में, 28 9 होता है 252। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना बच जाएगा, देखिए इसको घटाएंगे तो 0, ठीक है। तो देखिए अब लिखेंगे हम यूक्लिड का भाग लेमा, जो कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो है बी से छोटा होना चाहिए और आर या तो 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, के बार बार प्रयोग से हम पाते हैं। तो देखिए यह क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आर हो गया शेषफल, क्यू हो गया भागफल, और बी हो गया भाजक, ए हो गया भाज्य। तो देखिए जिसमें कि आर, जहां आर क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए, और आर या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा, ठीक है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यही कहता है यूक्लिड का भाग लेमा, तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से यही कह रहा था कि इसका महत्तम समवर्तक निकाल लें। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे, इसीलिए देखिए यहाँ पे ए बराबर 1540 लिए थे और बी बराबर 252, ठीक है। तो क्यू देखिए, क्यू होता है कोशेंट यानी भागफल, और आर रिमाइंडर यानी इसका हिंदी होता है शेषफल। तो ए भी तो दिया हुआ था, तो देखिए क्यू और आर निकला है। तो यूक्लिड का भाग लेमा कि बार बार प्रयोग से हम क्या पाते हैं, तो देखिए 2 बार भाग हुआ है तो हम लिखेंगे 1540 बराबर, देखिए 1540 क्या है, ए है भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक कौन है, 252। तो 252 गुने क्यू, क्यू क्या होता है भागफल, गुना कितना लिखेंगे 6, प्लस आर, आर कितना है यहां पे देखिए, पहला में आर है यानी शेषफल है 28, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 28। अब देखिए ये तो हो गया 1540 भाज्य है, तो इस तरह हुआ। अब दूसरा में है देखिए 252 भाज्य, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 252 बराबर, अब देखिए 252 भाज्य है तो यहाँ पे भाजक कौन है 28, तो बी बराबर हो गया 28, ए बराबर हो गया यहाँ पे 252, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 गुना 9, 9 क्या है भागफल है, तो यहां पे हम लिखेंगे 9 प्लस
शेषफल कितना है यानी आर, क्यू तो हम लिख दिए, क्यू बराबर 9 है तो यहां पे 9 लिख दिए, शेषफल है 0 तो यहां पे 0 देंगे। ठीक है, तो देखिए शेषफल कौन सा भाजक है जो शेषफल को 0 लाया है, तो 28। देखिए 252 भाजक था जो शेषफल 0 नहीं लाया था, 28 लाया था, फिर हम 28 को भाजक बना दिए थे और 252 को भाज, तो देखिए 0 लाया है, शेषफल कौन लाया है, 28। तो इसको हम इस तरह से गोल कर देंगे क्योंकि यही महत्तम समवर्तक होगा किसका, तो यहां पे हम लिखेंगे अतः, यहां पे लिख देंगे अतः महत्तम समवर्तक किसका किसका, 1540 कॉमा 252 बराबर कितना आ गया, 28। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 28 जो है 1540 और 252 या और 1540 या 1540 या 252 कुछ भी लिखें, ठीक है तो 28 आएगा। देखिए यानी 28 से, 28 जो है सबसे बड़ी संख्या है जो 252 और 1540 को विभाजित कर देगा दोनों को। तो देखिए 28 जो है 28 और 252 का भी महत्तम समवर्तक होगा, ठीक है, क्योंकि 28 से 252 भी कट रहा है, तो दोनों का हो गया 28 और 252 और 252 और 1540 का दोनों का हो गया महत्तम समवर्तक कितना, 28। तो हमसे सिर्फ 1540 और 252 का पूछ रहा था तो इसका ही लिखेंगे। तो देखिए यूक्लिड का भाग लेमा या यूक्लिडियन एल्गोरिदम या भाग एल्गोरिदम या विभाजन एल्गोरिदम सब एक ही का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, विभाजन एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं या भाग एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, सब एक ही का नाम है। ठीक है, और देखिए जो शेषफल आर है वो देखिए दोनों स्थिति में, देखिए यहां भी भाजक से छोटा है यानी बी से छोटा है, देखिए बी हुआ भाजक, तो भाजक से छोटा है और 0 से बड़ा है, देखिए इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है तो समझिए कि इस तरह का 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है देखिए यहाँ पे और एक जगह 0 के बराबर है, तो ये दोनों का चिन्ह है यहाँ पे, देखिए 0 से बड़ा का ये चिन्ह और नीचे एक लाइन दिया हुआ जो 0 के बराबर, यानी बराबर का भी लाइन दिया हुआ है चिन्ह और बड़ा का भी, तो देखिए यहाँ पे दोनों का स्थिति यहाँ पे सामने आ रहा है, 0 जो शेषफल है वो 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी होना चाहिए, तो यही यूक्लिड बताए थे कि उसका जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है हमेशा, भाजक से हमेशा छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, तो इसका यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से महत्तम समवर्तक निकालना है, तो इसमें हम लिखेंगे माना a बराबर 38,220 और जो बड़ा है उसको a मान लेंगे और b बराबर 196, तो देखिए a हो जाएगा भाजक, माफ कीजिएगा a हो जाएगा भाज क्योंकि बड़ा है और b हो जाएगा भाजक। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे लिखेंगे कि a बड़ा है b से, तो इस तरह का हम चिन्ह दे देंगे, तो यहां पे देखिए भाज्य कौन है, 38,220 और भाजक क्या है, 196, तो हम इस तरह इसको लिखेंगे, जो बड़ा रहता है उसी को भाज्य बना लेंगे और जो छोटा है उसको भाजक, तो इसको देखिए आप भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, देखिए 382 यहाँ पे 196 है तो एक बार में लगेगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 196, तो देखिए इसको घटाएंगे क्योंकि घटता ही है, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 17 यानी 7 हो गया, 17 में से 9 हो गया 8 और ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 186 हो गया। अब देखिए ये जो है शेष जो बचा है घट करके आया है वो भाजक से छोटा है तो नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे 2 ऊपर से यहां पे लिख लेंगे, ठीक है एक अंक उधार लेंगे, 1862 हो जाएगा। अब हम लगाएंगे 196 नमा यानी 9 बार में, तो आएगा 1764, ठीक है, तो
तो देखिए इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, और ये हो गया 5, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, ये हो गया 7, 7 में 7 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, तो 0 लिखना या ना लिखना बात बराबर है। तो देखिए अब यहाँ पे जो आया है वो 98 है, जो कि 196 से छोटा है, यानी भाजक से छोटा है, तो अब नहीं लगेगा। तो अब हम 0 यहाँ पे जो अंतिम है उसको उतार लेंगे, तो 980 हो गया। अब देखिए 196 पचे होता है 980, तो हम यहाँ पे 980 लिख देंगे, क्योंकि या तो बराबर आना चाहिए या छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी लगाते हैं। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो देखिए शेषफल 0 आ गया है, तो अब ये भाग की प्रक्रिया बंद होता है, क्योंकि महत्तम समवर्तक निकालने के लिए हमको तब तक भाग करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब देखिए यहां पे लिखेंगे यूक्लिड का भाग लेमा के प्रयोग से हम पाते हैं, तो यूक्लिड का भाग लेमा क्या है, देखिए a बराबर bq प्लस r, तो ये हम किसको माने थे, 38,220 को, और b माने थे 196। तो देखिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये लिखा हुआ है यूक्लिड का भाग लेमा, जहां की जो शेषफल होना चाहिए वो भाजक से छोटा होना चाहिए, हमेशा छोटा ही होता है, और या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा। तो यहां पे देखिए 0 के बराबर आ गया है, तो अब इसको हम आगे का भाग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा विभाजित हो चुका है। तो यहां पे देखिए 195 आया है इसका भागफल, तो यहां पे हम लिखेंगे यूक्लिड का भाग लेमा के प्रयोग से हम पाते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए ए यहाँ क्या है, 38,220, यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर बी, बी क्या है, भाजक, तो 196 गुना भागफल कितना आया है, 195, और शेषफल कितना आया है, प्लस 0, तो देखिए प्लस आर है तो प्लस 0 कर देंगे, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए शेषफल 0 कौन सा भाजक लाया है, सिर्फ इसमें तो एक ही भाजक है, सिर्फ 196, तो हम इसको हम गोल कर देंगे, क्योंकि यही महत्तम समवर्तक है। तो यहां पे हम लिखेंगे अतः 196 कॉमा 38,220 का महत्तम समावर्तक बराबर कितना हो गया, 196, इसका आंसर हो जाएगा देखिए 196। तो यूक्लिड का भाग लेमा यही कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो उसी का यहां पे देखिए प्रयोग करके हम, और जब तक 0 ना आ जाए शेषफल में, तब तक हम हमको भाग करते जाना है, तभी इसका महत्तम समवर्तक निकलेगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 365 और 12,450, तो यहां पे हम लिखेंगे माना a बराबर 12,450 और b बराबर 365, तो देखिए यहां पे बड़ा कौन है, 12,450, तो उसको भाज्य मान लेंगे, यानी a बराबर, और भाजक है 365, तो उसको b बराबर मान लेंगे। तो यहां पे देखिए a बड़ा है b से, ठीक है, तो a को हम बीच में रखेंगे, यानी 12,450 को हम भागा देंगे किससे, 365 से। तो देखिए 365 से जब भागा देंगे तो 3 अंक 124 है, तो 124 छोटा हो जा रहा है 365 से, तो 4 अंक लगेगा, यानी 1245 को लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में, ठीक है, तो 365 दिया होगा 1095, तो यहां पे हम लिख देंगे 1095, इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 13, देखिए 5 में से 5 गया 0, ये 4 ही रहेगा, तो 14 में से 9 गया 5, ठीक है, ये हो गया 1, इधर पैंचा गया तो 1 हो गया, और 1 में से 1 गया 0, तो 0 को लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो 150 हो गया। अब देखिए जो आया है घट करके वो भाजक से छोटा है, तो अब ये विभाजित नहीं होगा इससे 365 से, तो क्या करेंगे, ये 0 को यहाँ पे हम उतारेंगे जो बच गया है,
तो अब आ गया 1500। तो 1500 को देखिए 365 से हम 4 बार में लगाएंगे, 365 गुना 4 होता है 1460, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1460। अब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4, इधर हो गया देखिए 4 में से 4 गया 0, तो 0 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए जो शेषफल आ गया ये भागा हो गया है, अब जो शेषफल आया है भाजक से छोटा है ठीक है और 0 से बड़ा है, तो 0 नहीं आया है, तो इसका अभी हम भाग का जो प्रक्रिया है वो अभी करते रहेंगे। तो अब देखिए जो शेषफल है उसको हम बना देंगे भाजक, ठीक है, तो इस तरह कर देंगे, जो शेषफल है उसको हम बना देंगे भाजक और जो भाजक था यहाँ पे उसको हम बना देंगे भाज्य, तो यहाँ पे 365 हम लिखेंगे ठीक है। तो अब देखिए 40 से हम कितना बार में लगाएंगे 365 को, 9 बार में, तो 9 बार में 9 चौक 36 यानी 360 लिखेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 5, देखिए 5, 6 में 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0 घटेगा, तो अब देखिए 5 जो है यह आया है इसका शेषफल, भाजक से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, 0 आ जाता तो भाग की प्रक्रिया यहाँ पे हम खत्म कर देते, लेकिन शेषफल 5 आया है 0 से बड़ा, तो क्या करेंगे शेषफल को हम भाजक बना देंगे और जो भाजक था इसके पहले वाला उसको हम क्या बना देंगे भाज्य, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे, तो कितना बार में लग जाएगा 5 से 8 बार में, 25 क्या होता है 40। अब देखिए ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, तो देखिए भाग की प्रक्रिया अब खत्म हो गया है क्योंकि शेषफल 0 आ गया है, देखिए अंत में कौन लाया 5 लाया, तो 5 ही इसका क्या हो जाएगा महत्तम समर्थक, जो भाजक शेषफल 0 ला दे उसी भाजक को हम महत्तम समर्थक कहते हैं ठीक है। तो 365 और 12450 का, तो देखिए उसके आगे हम लिखेंगे यूक्लिड का भाग लेमा के बार बार प्रयोग से हम पाते हैं, तो देखिए यूक्लिड का भाग लेमा जो कि हम यहाँ पे अभी हम लगाए हैं, तो क्या कहता है यूक्लिड का भाग लेमा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देखिए ए बराबर हम क्या माने थे 12450 और बी बराबर माने थे 365 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 बार भागा हुआ है, तो 3 बार देखिए भागफल आया है, यहाँ पे एक भागफल आया, यहाँ पे एक भागफल आया और यहाँ पे एक भागफल आया, देखिए 3 भाजक भी है और 3 भाज्य भी है, देखिए एक भाज यहाँ पे है, एक भाज यहाँ पे, एक भाज यहाँ पे, एक भाजक यहाँ पे, एक भाजक यहाँ पे और एक भाजक यहाँ पे ठीक है, एक शेषफल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसीलिए हम इसको लिखेंगे यूक्लिड का भाग लेमा के बार बार प्रयोग से, तो ये देखिए यूक्लिड का भाग लेमा बार बार प्रयोग हुआ है क्योंकि भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे देखिए क्या हम बार बार क्या प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना है 12450, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12450 बराबर देखिए बी, बी कितना है भाजक 365, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 365 गुना भागफल कितना है 34, देखिए इसमें भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो देखिए बी क्यू हो गया बी और क्यू, बी गुण भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कितना आया था 40, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 ठीक है। तो ये हो गया एक, यहाँ पे तीन बार लिखना होगा, अब इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे, तो अब देखिए दूसरा बार जो भागा हुआ है उसको लिखेंगे, तो भाज्य क्या है यहाँ पे 365, तो इसके नीचे लिखेंगे 365 बराबर भाजक क्या है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 गुना भागफल कितना आया है 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और जोड़ शेषफल कितना आया है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेप में भाज्य कितना है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, देखिए यहाँ पे जो भाजक था यहाँ पे भाज्य होते जा रहा है, तो 40 बराबर कितना आ गया भाजक हो गया 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे गुना देखिए 40 भाज्य बराबर भाजक, यहाँ माफ कीजिएगा यहाँ 5 लिखाएगा, भाजक क्या है 5,
यहां पे देखिए गलती से 8 लिखा गया, तो यहां पे 5 गुना भाजक भागफल, भाजक गुना भागफल होता है, तो 8 प्लस 0। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लिख देंगे 5 गुने 8 प्लस 0, तो भाज बराबर हो गया भाजक गुने भागफल प्लस 0। ठीक है, तो अब देखिए 0 आ गया है अंतिम में, शेषफल 0 आ गया है। तो यही कह रहा था कि या तो शेषफल 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा। तो देखिए 0 से जब बड़ा आया था, यहां पे भी आया है यहां पे, लेकिन शेषफल 0 आएगा तभी इसका महत्तम संवर्तक निकलेगा। तो जो भी भाजक शेषफल 0 लाया है वो हो जाएगा महत्तम संवर्तक। तो देखिए कौन सा भाजक लाया, यहाँ पे 40 भी है भाजक जो कि शेषफल 0 नहीं लाया, 365 भी नहीं लाया, तो कौन लाया, 5। तो इसको हम ऐसे गोल सा बना देंगे और नीचे लिखेंगे अतः कितना कितना का कह रहा था क्वेश्चन देखते हैं, 365 और 12,450। यहां पे लिखेंगे 365, 12,450 का महत्तम समावर्तक बराबर कितना आ गया, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5।